हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, बिग अपडेट है सोल के जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, अब आप फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं रहोगे, अब ऑफिशियली सेकेंड सेमेस्टर में आने वाले हो। तो फाइनली डीयू सोल ने सेकेंड सेमेस्टर के एडमिशन, या हम कह सकते हैं एग्ज़ाम फॉर्म या रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक है, वो फाइनली अवेलेबल करवाना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी बीकॉम प्रोग्राम के कुछ स्टूडेंट को आज मैसेज आया है, मोस्टली सबको आ गया होगा, और जिनको मैसेज नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बीकॉम प्रोग्राम हो या बीए प्रोग्राम हो, आप सभी को बताना चाहूँगा कि फाइनली सेकेंड सेमेस्टर के जो एडमिशन है वो शुरू होना स्टार्ट हो चुके हैं, और जिसके लिए SMS भेजे जा रहे हैं। और ये SMS भी आ रखा है जिसमें बोला गया है कि आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म या ये कहे एडमिशन फॉर्म अपना फिल करना है डैशबोर्ड के जरिए, ठीक है। तो अभी बीए प्रोग्राम का अभी तक मुझे लगता है मैसेज नहीं आया है, जैसे ही मैसेज आएगा उनके लिए मैं अपडेट दूंगा। अब देखिए, आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना कैसे, आज की वीडियो ऑल कोर्सेज के लिए होने वाली है। सिंपली आपको अपने डैशबोर्ड पर जाना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे विजिट करना है। तो ये तो SMS आया आज बीकॉम प्रोग्राम वालों को, जरूर बताइएगा किस किस को SMS आया है, जितने भी ऐसे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर दिया है, अब जो वो सेकंड सेमेस्टर में आने वाले हैं। तो एग्ज़ाम फॉर्म या एडमिशन फॉर्म रिलीज होना स्टार्ट हो चुके हैं, धीरे धीरे करके सारे कोर्सेज के जो एडमिशन फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे आना। तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है। तो सिंपली आपको गूगल पे आना है, गूगल पे सर्च करना है आपको डीयू सोल। जैसे आप गूगल पे डीयू सोल सर्च मारोगे तो आपके सामने सोल की साइट खुलेगी। सोल की साइट का लिंक ये रहा, कई स्टूडेंट को लिंक नहीं पता होता तो लिंक भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पहुँचोगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है कंटिन्यू टू वेबसाइट पे। जैसे आप कंटिन्यू टू वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का एक पोर्टल ओपन होगा, उसके बाद आपको क्लिक करना है स्टूडेंट डैशबोर्ड। ये स्टूडेंट डैशबोर्ड है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपसे यहाँ दो चीज़ मांगेगा, आपका सोल रोल नंबर और बारकोड, ठीक है। तो यहाँ में आपको सोल रोल नंबर और बारकोड आपको डालना है। जैसे आप डालोगे उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो देखिए, जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरीके का पोर्टल ओपन होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए। और ये लिंक आ रखा है, देखिए, पेपर सिलेक्शन बीकॉम सेमेस्टर 2, यानी कि आपको अपना पेपर सिलेक्शन करना है, चाहे बीए प्रोग्राम हो चाहे बी ए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वाले हो। आप चेक कीजिए कि आपके में लिंक आया है, अगर लिंक आ गया है तो आपको सिंपली अपना जो एडमिशन फॉर्म है, एग्ज़ाम फॉर्म है, वो सबमिट करना है। तो जैसे आप इस पेपर सिलेक्शन पे क्लिक करोगे, वैसे बीकॉम का तो आ चुका है, मुझे लगता है शाम तक या कल तक और कोर्सेज का भी आ जाएगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हो लॉगिन का। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से देखिए डिटेल शो करेगी। यहाँ पे आपके कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे जो कि ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे, सिलेक्ट पेपर 4, सिलेक्ट पेपर 5, सिलेक्ट पेपर 6, सिलेक्ट पेपर 7। क्लिक करोगे सब्जेक्ट के नाम आएंगे, उन्हें सिलेक्ट कर लेना, जब उसके टिक पे कर इस पर टिक पे क्लिक कर देना। एक बार सिलेक्ट होने के बाद फिर आप अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं करा सकते हो, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, और सबमिट पे क्लिक कर देना, जो आपका एडमिशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, और आपकी जो फी रिसिप्ट है वो डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिकली शो होने लगेगी। तो इस तरीके से आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करना है। मैंने आपको दिखा दिया कैसे आपको अपना सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन फॉर्म सबमिट करना है, एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करना है। तो ये तो बीकॉम का है, बीए प्रोग्राम का भी सेम यही प्रोसीजर है, जैसे ही उनके भी होता है मैं आपको बताऊंगा। तो बिग अपडेट ये है कि फाइनली सोल ने सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसको रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। तो और अदर कोर्सेज के भी मुझे लगता है कल तक सारे फॉर्म आ जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।